गुरमुखो काजी आया, गुरु साहब काजी का जिक्र कर दिया जफरनामे च। कुरान आई, उस कुरान दे उत्ते चिट्ठी लेके भेजी कि उस विच इह कहा गया बादशाह वल्लों कहा गया तुसी आनंदपुर साहब छड्ड दिओ, तुसी खुली जगह ते जा सकदे हो, जो शब्द कहे गए कोई तुहाडा रस्ता नहीं रोकेगा। आप नूं पता है दो वारी महाराज ने आनंदपुर छड्डिया, पहली वारी जदों पहाड़ियां ने कहा गऊ दी सौं खाधी, फिर कुरान दी कसम खाधी गई। महाराज जी ने मेरी बेनती जे तीन चार शेर मैं कहने ने, मैं किसी मुसलमान वीर नूं ला के नहीं गल कर रहा, मैं कहना उस भाई वीरो जे कुरान दा अदब किसी ने तुर अंदर तो कीता है ते गुरु गोबिंद सिंह नूं पुछ के देखो, ने ते कुरान दी कापी देख के आनंदपुर साहिब छड्ड दित्ता सी। महाराज जी दे पहले जिहड़े शेर ने जफरनामे दे ओ ए ने, मरा एतबारी बरी कसम नेस्त। थोड़े जे मैं अर्थ दे कर देंगा, है परशियन वाहगुरु अगे अरदास करियो शहीदां अगे, मैं आप संगत दी सेवा जफरनामे दी मुकम्मल कथा करके कर सका। मैं अज प्रधान जी नूं भी कह, इन्हां नूं बैठे ने श्रोमणी कमेटी वाले वीर सारे, ओ सिखो गुरसिखो जफरनामा जरूर तुहाडी हर बुक स्टोर ते होना चाहिए है। एदू वड्डा कोई दस्तावेज नहीं जिन्हें हिंदुस्तान के 700 साल के राज नूं, चलो ये बाबर तो लैके तुसीं कह लो, मैं पिछा लोधियां वाल नहीं जा रहा, बाबर तो लैके औरंगजेब तक, ते औरंगजेब के अंदर नूं कोई चीज झंझूड़ ना सकी। सके प्यो नूं मारिया नहीं झंझूड़िया, दारे नूं मारिया भरा नूं नहीं झंझूड़िया, धी नूं मारिया भैन नूं जहर दिता नहीं झंझोड़िया, गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने उहदी आत्मा नूं झंझोड़ के रख दिता। सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहला पहला वाहगुरु का शुक्र करते हैं। ये ज्योति स्वरूप आपां वेखांगे कमाल करामात कायम। इत्थे दास्तान नूं जीए 13 नंबर शेर तो, वह दास्तान है मारा एतबारी बरी कसम नेस्त। मारा एतबारी बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदांज केस्त। इहदा अर्थ है कि तेरी सौं दा रंचक मात्र भी भरोसा नहीं, जो तू सौं चुक रहा है जिहड़ा इहदे ते भरोसा करेगा उहनूं परेशान ही होना पैंदा है। अगली गल, ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त। यह गल नूं फिर सुनियो, मैं तेरों शेर के है मारा एतबारी बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदा यकेस्त। वाहगुरु साक्षी है तेरी सौं दा कोई भरोसा नहीं, वह सौं चुक चुका सी। अगे है ना कतरा मारा, कतरा शब्द समझ ना बूंद कहने, कतरा थोड़ा जिन्ना, ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त। इतबारे दा अर्थ आपां पंजाबी च वरतने आ भरोसा, बरोस दा अर्थ उस उत्ते। महाराज कहिंदे कतरे जिन्ना भी तेरे बंदियां ते हुण भरोसा नहीं, तू रब दी सौं चुकी है। ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दीवा, बख्शी बख्शी कहिंदे आ सेनापतियां नूं ते दीवा आ वजीर जिहड़े आ सलाहकार वजीर, के बख्शी वा दीवा हमा हमादर ते सारे किजब गोश्त, किजब गोश्तदर ते झूठ बोलन वाले, तेरी सौं ते रंचक मात्र भी भरोसा नहीं, जेड़े आगू तेरे ने एदू वड्डा बेईमान बंदा ही दुनिया ते कोई। ए शब्द कहने अंदर धूप पा देंदे, ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दीवा हमा किजब गोश्त, कसे कौले कुरान कुन दी इतबार। जेड़ा तेरी कुरान दी सौं ते भरोसा करेगा वह बंदा अखीर से परेशान होगा। अगली मैं बेनती तुहानूं कर लगा, इहनूं ध्यान नाल सुनो। मैं क्या क्यों आनंदपुर साहब छड्डिया, उंज चलो अल्लाह यार खां जोगी दा कंसैप्ट वखरा है, वह गुरु गोबिंद सिंह बोल रहे ने, कहिंदे औरंगजेब तू मोमिन है, बा मुसफ कसम खुफिए घर खुरद में, ना यक गाम हम पेश अजा बुरद में। थोड़े जे मैं सिर्फ पंजाबी च दे अर्थ करी जा रहा, कोई विद्वता नहीं दिखाने लई। बा मुसफ, बा मुसफ का अर्थ हुंदा धर्म ग्रंथ। बा मुसफ कसम खुफिए घर खुरद में, खुफिए दर्थ है गुपत, खुरद में दर्थ है खाना। कहिंदे औरंगजेब जे धर्म ग्रंथ दी सौं मैं खुफिया रूप विच
मैं फुरने दे रूप विच किसे नूं दसदा भी ना मैं ओ सौं चुकी हुंदी ना यक गाम खाम पेश अजा बुर्द में मैं एक कदम भी अगे तुरदा ते मैं रब दा देनदार हुंदा ओ तू तां लेख के सौं चुकी है शर्म कर तेनूं यकीन ही कोई नहीं रब ते मैं फिर बेनती करांगा गुरु धर्म की दुहाई दे रहे ने महाराज कहिंदे ने तू कसम चुक के मुकरिया हुण अगली गल सुणी जदों महाराज इत्थे आ जांदे आ सत पोह नूं सतगुरु नूं कोटले निहंग खां दा पुत्तर आलम खां ओ महाराज जी नूं राह दसदा ते इत्थे हजूर आ जांदे मैं अर्ज कीती आ गड़ी कच्ची गड़ी चलो शब्द आपां वरतने खां उत्थे हजूर आउंदे आ रात इत्थे विश्राम करदे आ अल्लाह यार खां योगी कहिंदा है कि कहते हैं कल को फिर कल नूं फिर जंग आउणा है कि गुरु गोबिंद सिंह मैदाने जंग विच उतरनगे ते उन्हें शब्द जेड़े खास करके ने ओ जरा शब्द वरदा है जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है जिस जा पे बच्चों को कटाना ये वही है मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है सात पो दी रात बतीत हो अठ पो जरा आन वाला है गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे जंग का जरा जिक्र कर दिया मैं ता ऐदकी कोट कर लगा साडे एक विद्वान ने जी बड़े वड्डे ना नहीं मैं लैणा उह कहिंदा एड्डी वड्डी गल लोकी भुलाई जांदे आ हत्थों हत्थ लड़ाई होई 500-600 बंदा सी काम निबड़ गया सिख विद्वान लिख रहा मेरे मन च तां है वी मैं थोड़े जे शेर गुरु गोबिंद सिंह दे सांझे करने ने जदों दिन चढ़िया बैरंग मगज स्याह पोश आम दंद महाराज कहिंदे जदों मैं झाती मारी ते चार चफेरे बारंग बारंगे मगज स्याह पोश आम दंद इस तरह चार चफेरे कालियां वर्दियां वाले दिल्ली तो फौज आ गई सी जिवें शहद दियां मक्खियां चार चफेरे भिणकदियां होण उस तो बाद महाराज फिर की कहिंदे आ गुरु गोबिंद सिंह फिर अगे लिखदे ने के पेमा शिकन बेदरंग आम दंद मैं तेगो तीरो तुफंग आम दंद मैं देखिया कसमा चुक के मुकरन वाले कृपाना लैके तलवारा लैके बंदूकां लैके इस तरह एक कदम कुरलाट पा दिता चार जवेरे तो उस विच गुरु जी फिर अपना जिक्र कर दिया गुरसना चे कारे कुनद चे हलर एक पासे गुरसना भुखे जिन्हां नूं रोटी पानी नहीं मिलिया कई दिनां दा चेल फारसी विच 40 नूं कहिंदे ने कि 10 लख बरायद बरो बेखबर सानू खबर भी नहीं दित्ती ये 10 लख दी फौज ने चमकौर दी गड़ी नूं चार जवेरे घेरा पा लिया 10 लख महाराज 2 वारी कोट कर दिया जफरनामे च जे कही जे तां कहावत कही सी के पेमाश कन बेदरंग आमदंद मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद अगे फिर गुरु जी कहिंदे बाल ना चार की दरमियां आमदंद औरंगजेब मेरा कम इस तरह लड़ाइयां करना नहीं जदों लोग धर्म दी सौं छक के मुकर जान फिर मैं उतरिया मार अगे शब्द वरदिया बाल ना चार की दरमियां आमदंद बा तदबीर तीरो कमा आमदंद फिर मैं अपने पत्थे च तीर भरे मैं कमान सिद्धी कीती मैं अपनी गात्रे कृपाण पाई हुण इस तरह नहीं जे थले आए ने ते मैं भी शस्त्रां नाल लैस होके उतरांगा फिर बेनती कह जी अगे फिर महाराज जदों कहिंदे आ नवाब मलेर कोटली दे 3 भरा सन नार खां गुलशेर खां ते ख्वाजा खिजर ये तिन्ने इत्थे आए सन जिहड़ा कहिंदे ना भी आ मलेर कोटली दे ये तिन्ने भरा आए सन उत्थे फिर महाराज दा जिक्र करदे जदों कहिंदे आ कि बाल लाचारगी दरमया आमदन बात तदबीर तीरो कमा आमदन इस तो अगे शेख सादी दा शेर कोट करदे आ थोड़ा जिहा फर्क है जिहड़ा तुहानूं सब नूं पता है चूकार अज खमा खील ते दर गुजस्त चूकार अज खमा खील ते दर गुजस्त गुजस्त दर ते गुजर जाना खील ते दर ते खीले जदों सारे हिले गुजर जान गल बात भी धर्म की सौ भी निकल जाए फिर महाराज कहिंदे ने फिर की करना चाहिए चूकार अजामा खीलते दर गुजस्त हलाल अस्ते बुर्द ने बा शमशीर दस्त हलाल अस्त फिर ठीक है हलाल है उदो कृपाण ते खत रख लेना चाहिए है याद रखो रौला बड़े पाते इतने जी पैगंबर ने कृपाण पक ली याद रखो इस्लाम कदी जींदा ना इस तरह हुंदा जे हजरत मुहम्मद कृपान नूं हाथ ना पांदे तां पैगंबर सन ना इस भारत दी धरती ते कोई शजालू भगवान कहिंदे आ
शिव जी दे हाथ च जे जमरू है, शिवा दे हाथ च याद रखो त्रिशूल भी उन्हें नाल टंगिया होया। रामचंद्र जी तीरां दा जिक्र असी करने आ, कृष्ण जी दे चक्कर दा जिक्र किया जाता है। इत्थे फिर सतगुरु कहिंदे ने जदों धर्म दीआं सौवां का के कोई हीला ना रहे, इहदा मतलब एवें कृपान नहीं चुकनी। गल च बड़ी वड्डी गल कि एवें एवें फड़िया जी दा सिर ला दिओ, इहनूं लाओ सौदा। महाराज कहिंदे पहला अखीरले वरतो बंदा बनाउण दे, जे नहीं वरदा फिर अखीरला हथियार ही है ना इह। जे कहो जी गुरु नानक साहिब नहीं कहा, कहिंदे पहली गल मूर्ख तो पासा वटो, मूर्ख है नाल नाल उज गया। हांजी दूजी गल चुप कर जो जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। ते जे फिर ना मन्ने फिर गुरु नानक साहिब कहिंदे मूर्ख गंढ पवे मूंह मार, एक मूंह ते छड्डो, उदू बाद मित्र बन के गल्लां करन लग पैंदा। मैं तुहानूं सिर्फ एक बेनती करांगा, इत्थे महाराज ने शस्त्र चुके। महाराज कहिंदे ने चूकार अजामा हील ते दर गुजस्त हाल आल बस वर्धन बा शमशीर दस्त। इत्थे फिर गुरमुखो जदों पंज पंज दे जथे अठ अठ दे जथे हजूर सच्ची सरकार ने तोरे ने, सब तो पहला मैं पांच सात मिनट तुहाडे लैने, सब तो पहला नार खां आया। महाराज कहिंदे चुदीदम के नाहर बयामत बजंग। मैं उस दिन कहा सी बड़ी वड्डी गल हुंदी है बादशाह नूं लिखणा ते दिल्ली तो आया जरनैल उहनूं कहणा तेरा जरनैल नार खां आया सी ललकारे मारदा, पहला तीर दा स्वाद मैं उहनूं चखिया चखाया। ते महाराज कहिंदे इस तरह तीर उहदे सीने चों निकलिया जिवें उड़ना सप निकल जांदा डंग मार के। चू दीदम के नाहर बयामद बजंग चशीदे यके तीरे मन बेद रंग। चू दीदम मैं देखिया नार खां आ रहा है, चू दीदम के नाहर बयामद बचंग चशीदे यके तीर मन बेद रंग। एक तीर दा स्वाद मैं चखाया, इको नाली भुआंटली खां के डिग पिया, दूजा खाण जोगा है ही नहीं सी। कहिंदे इहनू वज्जा ते खवाजा खिजरे दा दूजा भरा जफर बेग उह तुरिया आउंदा है। ते महाराज कहिंदे ने कि आ खवाजा मरदूद साया है दीवार, यह अपने आप नूं ललकारे मारदा सी भरा जमीन ते डिगै, आप ओले हो के निकल गया भरा दी लाश भी नहीं चुकी। कि आ खवाजा मरदूद साया है दीवार, नियामत बा मादा बा मरदाने वार, वो मर्दां दी तरह नहीं आया, तेरा जरनैल बोझदे सी दरेगा। मैनू अफसोस है अगर रूबे ओ दीद में मैनू दिसिया नहीं, मेरी नजर नहीं सी जांदी कंध तो थले, कंध दा अगे आसना सी दरेगा। अगर रूबे आदीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में, एक तीर पत्थे दा मैं ओनू भी दे दिता जेड़ा देंदा जेड़ा उहदे भरा नूं बख्शिया होया सी। महाराज ने थोड़ा क्या मैं लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हां क्या जे मैं लड़ी ते फिर सिरे लाई। मैं पिछले दिन ही क्या आ जंग डिफेंस लड़ी गई, 10 लाख चढ़ के आए की करदे महाराज लड़ी। ते मैं एक बेनती करा, शुरुआत यह लोग करते रहे, महाराज डिफेंस लड़ी इको ने शुरू की जिहड़ी अज तक नहीं मुकी। फिर बेनती है बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेजिया इको जंग महाराज ने ऐसी। इत्थे फिर गुरमुखो भाई हिम्मत सिंह भाई मोहकम सिंह फिर सतगुरु के प्यारे दोवें बच्चे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी। ज्ञानी ज्ञान सिंह कहिंदा इन्ने सोहणे सन ना दोनों, गुरबालक बालक गुरबालक बालक रूप अनुपम पेक सो अंगन अनंग सो लाजै। ज्ञानी ज्ञान सिंह कहिंदा इन्ने सोहणे सर चेहरे उन्हां दे कि काम नूं क्या जांदा सुंदरता दा देवता। कहिंदे जदों बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दे मुख ते सूरज पैंदा है ना, सच वे उन्हां दी सुंदरता दा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकदा। इन्ने सोहणे सन गुरबालक बालक रूप अनुपम पेक सो अंगन अनंग सो लाजै। उन्हां दे अंगां दी सुंदरता नूं देख के वड्डे वड्डे सुंदरता वाले जिहड़े ने शर्मसार हो जांदे। महाराज जी ने वड्डे साहिबजादे नूं सीने नाल ला के इत्थों तोरिया। जिस जगह ते आपां बैठे हां गुरमुखो, इह सारी दी सारी जगह खून नाल भरी होई सी। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਤ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਜਮੀ ਗੁਸ਼ਤੈ ਖਮਚੂ ਗੁਲੈ ਲਾਲਾ ਰੰਗ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਿਆ,
मैं तेन दसा मैं उत्तों झाती मारदा सा सारी जमीन खून दे नाल लाल रती हो चुकी सी। ये जफरनामे दे बोल ने किसी कवि दे नहीं। जमी गश्त हमचे गुले लाला रंग चार चफेरे लाल रंग ही दिसदा सी। बाबा अजीत सिंह पिता गुरदेव तो लैके आग्या जांदे हां सच्ची मुची आत्म रंग विच रत्ते होए हां। आत्म जेतु सूरमे ने रण तत्ते विच हर शस्त्र उचलांदे हां। अखीर ते उन्हां नू सारे घेर दिया। घेर के बाबा अजीत सिंह नू जदो शहीद किया जाता है तो गुरु गोबिंद सिंह जी उत्तों देखते आ पुत डिग रहा है तो शरीर उत्ते किन्ने क फाट आए ने गिनती कोई नहीं। पर पुत्र नू जदों डिगद्या देखिया पहला दिसदी है कलगी झूलदी जदों मुकाबला कर रहे ने दूरों फिर कलगी दिसनी बंद हो गई जमीन ते डिगे तो उत्तों आवाज आई शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। बाबा जुझार सिंह उठ के खड़े हो गए सच्चे पिता जी कृपा करो आग्ञा बख्शो। सिख गिनती दे रह गए ने। बाबा जुझार सिंह नू वेख्या घुट के सीने ना लायो ने पर इस सीने दे अर्थ मोच नहीं लैके जाने समझो अपने सीने दा तेज अपने पुत्र दे अंदर भरदे पाया। अल्लाह यार खां जोगी देख दो शेर ने बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद। इस थे शहीदां विचों सब तो छोटी उम्र दे बाबा जुझार सिंह जी ने उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे छोटी सी कमान नन्नी सी तलवार सजा दे हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना जितने मरे इसे उन्हें बेपीर समझना जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना उप मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। किड्डी वड्डी गल जी सी नहीं करना उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। साहबजादे नूं तैयार कीता ते आ दरवाजा खोल के आप छड्डन आए बाहर। गुरमुखो मैं अज भी कल भी क्या परिवार विछोड़े की गल सी मैं क्या लोको अपने परिवार नूं विछोड़दे पए ने ते साडे परिवार वाली मंग मंगदे पए ने सुखी बसे मोरू परिवारा सेवक सिख सबे करतारा हे करतार मेरे परिवार सुखी वसे। केड़ा परिवार सतगुरु परिवार च ते पिता हुंदा मां हुंदी है पुत्र हुंदे ने तुसी तां सब कुछ अपने हत्थी तोड़ दिता। कहन लगे उस परिवार नूं दे के मैं एडा परिवार वड्डा कर रहा है मेरे परिवार नूं तत्ती वाह ना लगे मेरे परिवार विच मेरे सिख ते मेरे सेवक ने। गुरमुखो ये तुसी चौपी पढ़दे हो रोज ये साडे लई बेनतियां कर रहा मेरा दाता कि सुखी बस है मोरो परवारा सेवक सिख समय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। मेरी इको आस है मैनू तेरे भजन की प्यास लगी रह। बाबा जुझार सिंह जी तुर लगे आ दरवाजा खोलते ने ते अखीरला वचन कहिंदे आ बेटे बेटा देखते ने पिता जी वल बेटा तुम ही ओ पंत के बेड़े के खवैया सर भेंट करो ताके धर्म की चले नैया ले देखे तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया। कमाल करती जोगी साहब ने कहने बस ले दे के तू ही एक फुल रह गया जेडे मेरे कोल से ले दे के तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया लो जाओ रात तकते हैं खल्द में भैया जा मेरे पुत्र रब दी दरगाह च तेरा भरा ते तेरा दादा तेरा राह वेख दे पाया। राह तकते हैं खल्द में भैया ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें हम आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखेंगे। बाबा जी उतरे या गुरमुखो चलो समा फिर मिले कि सेना पत कहिंदा वो लोको
बिजली दी तार सी जिधरों बाबा जुझार सिंह लग गया बस सेरी सिर लथे पै सन। तो मैं पिछले दिन क्या जो पुत्रां दे नां रखे ना एवें नहीं रखे, क्योंकि अज तां आपां नाम ही उस तरह ही बच्चियां दे रखने ने जिवें मर्जी निके निके नां कुत्तियां बिल्लियां वाले नां हो गए, ज्यादा गुस्सा ना करियो इस गल का। अज बाहर तो लोगों ने पुत्र कुत्ते बना दिते, पुत्र कुत्ते जिहड़े पुत्र बनी बैठे। मेरा वैसे विशा नहीं है, चारां पुत्रां दे नां रखे, वड्डे होए अजीत सिंह रखिया, छोटे होए जुझार सिंह रखिया, उदू छोटे जोरावर सिंह रखिया, सब तो छोटे दा फतेह सिंह रखिया। इन्हां नावां दे की अर्थ ने? इको साहबजादा ने जेडे पंजाब तो बाहर, चलो उदू ते ही सारा ही पौंटा साहब बाबा अजीत सिंह ने, अजीत मीन जिन्हों जितया नहीं जा सकता, अजीत जिसनों कोई नहीं जितेगा। आ जरा कई बार अस शेर पढ़ने, नाम का अजीत हूं अजीता ना जाऊंगा, ये अल्लाह यार खां दा नहीं, मेरा ख्याल मिर्जा अब्दुल गनी दा है। नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। अजीत दा अर्थ जो अजित जिन्हों कोई ना जिते, किनू नहीं जितया जा सकता, जेड़ा जुझार होवेगा। जुझार दा अर्थ जूझन वाला, जूझन वाले ही अजित हुंदे आ। ते जूझे या कौन? जोरावर। ए मैं अर्थ पिछली बार किते जोरा आवर, जे ए दो लफ्ज ने जोरा आवर, ए जोर आवर, एक जोर एक आवर, जोर मतलब ताकत, आवर दा अर्थ वाला, ताकत वाला ही जुझारू हुंदा है, ते जूझन वाली अजित हुंदा है। ते गुरमुखो जेड़ा अजित है, जेड़ा जुझारू है, जेड़ा जोरावर है ना, फतेह ओहदे ही पैरां जाके खलोंदी हुंदी है। ये चारा नावां दे डूंगे अर्थ ने, अजीत जुझार बाबे साडे जोरा बाबा जुझार सिंह जी जांदे आ। कलगी आए सच्ची लो भी चार चबेरे घूमदे आ, सत्थर विछा दिते गुरु दे लाल ने, अखीर ते सचमुच बरशी वजदी है सीने च, सारे हमला करदे आ, गुरु दा पुत्तर है, बाबा जुझार सिंह शहीद हो जांदे आ। इधर सूरज अस्त हुंदा है, ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा शेर मैं फिर दोहरा देना, बसे बार बार ईद तीरो तूफान, जमी गश्त हमचू गुले लाला रंग। कहिंदे जदों मेरे पुत्तर शहीद होए सारी जमीन लाल हुई पई सी, खून ही खून सी। अगली गल, सरो पाए अंबा, कहिंदे सिर ते पैर इस तरह औरंगजेब गढ़ी तो बाहर डिगे सन जिवें मैदान विच खिद्दू खुंडियां खिल रहियां होण। इह सारे बोल जफरनामे दे ने। सरो पाए अंबा चुंदा शुदा, सिर ते पैरां दे ढेर ला दिते मेरे पुत्तां ने, ते अंज लगे इस तरह तेरे बंदे खिल रहे पए जिवें खिद्दू खिल रहे होंदे आ। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल जिन्हां नूं असीं हर साल याद करने आ। ते मैं ऐतकी थोड़ा जिहा बाणी दा पाठ करिया, मैनूं पता है वी संगत दा टेस्ट ज़्यादा साखी दा हुंदा है, पर फिर भी मेरी बेनती है कि आप गुरबाणी कल नूं शब्द सारे पढ़ के आए, जो नर दुख मैं, इतिहास भी करांगे ते बाणी भी, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। ते नार शब्दां च दो शब्द ने जेडे गुरु गोबिंद सिंह दा, गुरु तेग बहादुर साहब दा निजी अनुभव है, एक सोल्ट राग दा ए, ते दूजा माई मैं तन पायो हरनाम, मन मेरो धामन ते छुट्यो, कर बैठो विश्राम।